आज के हमारे स्टूडियो का टॉपिक व्हाट इज सिंगल अर्थिंग एंड डबल अर्थिंग एंड देयर डिफरेंस, मतलब कि सिंगल अर्थिंग क्या होती है, इसके साथ साथ डबल अर्थिंग क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है, यह सभी आज के स्टूडियो में हम जान लेंगे। दोस्तों, यह जो आज का हमारा सवाल है कि आखिर डबल अर्थिंग क्या होती है और इसके क्या फायदे होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंटरव्यू के अंदर आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के स्टूडियो में हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सिंगल अर्थिंग क्या होती है। तो दोस्तों, हम जो जनरली अर्थिंग का उपयोग करते हैं हमारे घरों के अंदर, कंपनी के अंदर, तो अधिकतर केस में हमारी वो सिंगल अर्थिंग ही होती है। अब हम इसके बाद में हम ये जानेंगे फिर डबल अर्थिंग क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सिंगल अर्थिंग को आप आसानी से समझ लीजिए, जैसे कि हमारे घर के अंदर या फिर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी एक उपकरण है, जैसे कि मेरी मोटर है। हम सभी को पता है कि हमारी जो मोटर की बॉडी होती है वो बॉडी आयरन की होती है। अगर हमारा किसी भी एक जगह पे हमारा फेस या फिर कोई करंट का वायर आके टच हो जाता है तो हमारी पूरी मोटर की बॉडी पे करंट आने लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो मोटर की बॉडी होती है, मोटर की बॉडी से हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी किसी कंपनी के अंदर डबल अर्थिंग को भी किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और पॉइंट यह भी बता दूं कि हमारी जो डबल अर्थिंग होती है वो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कंपनी के अंदर ही उपयोग में लेते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स जो होती है वो यह कहती है कि डबल अर्थिंग ही हमको हर जगह कनेक्ट करनी चाहिए, चाहे हम हमारे घर की बात करें चाहे कंपनी की बात करें। अब हम ये जान लेते हैं कि डबल अर्थिंग होती क्या है। फिर दोस्तों, डबल अर्थिंग को समझने के लिए मैं आपके सामने एक चित्र लेके आया हूं, इससे आप आसानी से समझेंगे। फिर हम यह भी जानेंगे कि आखिर अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह पूछ लिया जाए कि डबल अर्थिंग करने के हमको क्या फायदे मिल जाते हैं तो उस समय आपको क्या जवाब देना है, वो भी हम इस चित्र को देखने के बाद जान लेंगे। तो दोस्तों, अभी हम यह जान लेते हैं कि डबल अर्थिंग क्या होती है। तो आपको ये दिख रही है, ये हमारी एक मोटर है। अब हमारी कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो मोटर की ये बॉडी है, इस बॉडी पे लाके एक अर्थ का वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इस मोटर को अर्थिंग देते हैं। पर दोस्तों, जब हम डबल अर्थिंग की बात करते हैं तो हमारी जो मोटर की बॉडी है, इस एक मोटर की बॉडी पे हमारे दो अर्थिंग कनेक्ट की जाती है। आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक अर्थिंग वायर, ये आपको यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जाके ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे जमीन में टच हो रहा है। तो यहाँ से हमको एक अर्थिंग मिल रही है। तो यह तो हो गई हमारी पहली अर्थिंग। अब दूसरी अर्थिंग भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है आपको मोटर की बॉडी पे कनेक्ट दिख रही है और यहाँ से हमारा ये वायर जाके हमारा वापस से जमीन में ग्राउंड हो रहा है। मतलब कि सिंपल सा यह है कि हमने जमीन के अंदर दो अलग अलग अर्थिंग कर रखी है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन भी रहता है कि हमारी एक ही अर्थिंग है, इस अर्थिंग का जो ये वायर निकला हुआ है बाहर, तो अब इस वायर से हम एक और वायर को निकाल लेंगे और ये अर्थिंग को ले जाके हमारी मोटर पे जोड़ देंगे, तो ये डबल अर्थिंग कहलाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी डबल अर्थिंग तब कहलाती है जब हमने दो अलग अलग अर्थपीठ से अर्थिंग को ले रखा है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक अर्थपीठ हमारा नंबर पहला यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा अर्थपीठ हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ये अर्थपीठ क्या होता है, अर्थ ग्रिड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम वापस से 10 सेकंड के अंदर डबल अर्थिंग को समझ लेते हैं। डबल अर्थिंग क्या होती है, जैसे कि मेरा कोई भी उपकरण है, जैसे मेरी ये मोटर है, तो अब इस मोटर को मेरे को दो अर्थिंग जैसे ही मैं दे दूंगा तो वो हो जाएगी मेरी डबल अर्थिंग। तो कैसे दूंगा, हमारी ये मोटर है, इस मोटर की बॉडी पे हमारी सबसे पहले एक अर्थिंग के यहां से कनेक्ट कर दूंगा और दूसरी, जैसे मैंने यहां पे एक अर्थिंग करके, तो दूसरी अर्थिंग मैं यहां से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो हो गई, ये हमारी दो अर्थिंग से हमारी मोटर को सुरक्षा मिल गई, तो ये कहलाती है हमारी डबल अर्थिंग प्रोटेक्शन। और दोस्तों, यहां पर भी हमारी सेम लाइन लिखी हुई है कि डबल अर्थिंग क्या होती है। तो यहां लिखा हुआ है अर्थिंग ऑफ द सिंगल मोटर फ्रॉम टू प्लेस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अर्थिंग ऑफ द सिंगल मोटर की जगह आप यहां पे इक्विपमेंट कर सकते हो कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो। तो हमने क्या कर रखा है, दो जगह से, दो अलग अलग जगह से हमने सिर्फ एक मोटर को अर्थिंग दे रखी है, तो ये कहलाती है हमारी डबल अर्थिंग। और वहीं अगर हम हमारी मोटर को दो पहले से ना देके सिर्फ एक ही जगह से अर्थिंग देते, इस जगह से ना देते, तो वो हमारी कहलाती सिंगल अर्थिंग। अब दोस्तों, हम हमारे इंटरव्यू के सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि डबल अर्थिंग के हमको क्या फायदे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके जवाब के लिए मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखी है। सबसे पहली है, द डबल अर्थिंग इज डन टू इंश्योर दैट द एटलीस्ट वन अर्थिंग विल बी ऑपरेशन इफ द अदर अर्थिंग गेट डिस्कनेक्टेड। यह लाइन हमको यही बता रही है कि जैसे कि हमारी मोटर है, इस मोटर के अंदर अगर हमने डबल अर्थिंग कर रखी है, तो अगर गलती से किसी भी कारण से हमारी एक अर्थिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से वायर कट जाता है या फिर फेल हो जाती है, किसी भी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारी दूसरी अर्थिंग से हमको सुरक्षा मिल रही है। तो यह हमारा सबसे पहला फायदा होता है डबल अर्थिंग लगाने से। अब दोस्तों, फायदे नंबर दो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आल्सो विद द डबल अर्थिंग द इफेक्टिव अर्थिंग रेजिस्टेंस गेट रेड्यूस बिकॉज ऑफ द टू पैरेलल सर्किट। मतलब कि दोस्तों, जब भी हम डबल अर्थिंग का उपयोग करते हैं तो डबल अर्थिंग के उपयोग करने से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का, वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्थिंग होती है वो अर्थिंग पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, अर्थिंग का रेजिस्टेंस किस तरीके से कम हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस है 3 ओम और दूसरी अर्थिंग है, इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो दोस्तों, अब अगर मैंने मेरी इस मोटर को इन दोनों से अर्थिंग दे रखी है, तो मेरी जो मोटर को जो रेजिस्टेंस मिलेगा अर्थिंग का, वो कितना मिलेगा, तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और हमको उसकी कैलकुलेशन निकालनी है, तो क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस जो 1 की वैल्यू है और मल्टीप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू और बाद में भाग करके प्लस कर देते हैं रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू।
यहाँ पे मैं 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, तो 3 इंटू सेकंड की 5, तो यहाँ पे हो गया मेरा 15। और नीचे क्या करना है, 3 प्लस 5, तो ये कितना हो गया नीचे 8। तो ये अगर मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो मेरी जो मोटर का रेजिस्टेंस जाएगा वो मेरी मोटर का रेजिस्टेंस 1.8 ओम के आसपास ही जाएगा। इससे हमको सेकंड फायदा यह भी मिल जाता है कि हमारा जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है इक्विपमेंट के लिए वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो दूसरी लाइन भी आपको इंट्रो के अंदर जरूर बतानी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।